आई नबीला वेलकम टू अर मेटाबॉलिज्म सीरीज़ इंशाल्लाह आज हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है बेसिकली इसका एक और नाम क्या है रेस्पिरेटरी चेन और हम लोग ने देखा था कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के दो पार्ट होते हैं एक होता है रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा होता है फॉसफ्राइलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फ्राइलेशन ओके सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है सो so, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो एक्चुअली है क्या तो इसमें क्या होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइज चेन होती है बेसिकली जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है माइक्रोकॉन्ट्रिया में होती है और इसके अंदर क्या होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का और ये क्या करते हैं बेसिकली एक प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है फिर ए सिंथेसिस होता है फर्दर ओके okay. देन uh, और प्लस यहाँ पर मेटाबॉलिक वाटर भी फॉर्म होता है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके सैलिन फीचर्स की सबसे पहले तो देखते हैं सबस्ट्रेट क्या होता है यहाँ पर रिड्यूस्ड कोसाइन पहले मैं आप लोग को बेसिक थियोरीटिकल पार्ट बता रही हूँ इंशाल्लाह देन फिर हम लोग एक इजी वे में देखेंगे किस तरीके से हम लोगों को रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्रॉ करनी है एग्जाम ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि अच्छा आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लाइक uh, रिटर्न like के लिए आता है फीचर्स एंड ऑल बताइए और देन uh, फिर आपको ऑब्वियसली फिगर तो ड्रॉ करना ही होता है सो so, सबसेड uh, होता है रेड्यूस को हम यूज़ करते हैं रिड्यूस को कोम्स कौन से होते हैं लाइक एन ए डी एच एफ ए डी एच टू एक्सेट्रा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या फॉर्म होता है ए टी पी एंड मेटाबॉलिक वाटर ओके देन साइड क्या होता है ऑल माइटोकॉन्ड्रिया कंटेनिंग सेल्स जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में जिनके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है क्योंकि भाई सारे सेल्स को तो एनर्जी लगनी है एटीपी लगनी है सो उन सारे सेल्स के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा तो उनके अंदर क्या होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा लेकिन फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो उसके अंदर तो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है सो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा उसके अंदर किसी और सोर्स के जरिए क्या होगा ए प्रोडक्शन होगा जो हमेशा आगे देखेंगे देन कंपार्टमेंट का होगा इन्हें माटोकॉन्ट्रेल मेंबर में होता है नेचर क्या होता है इसका कैटाबॉलिक है यानी कि ब्रेकडाउन होगा ऑब्वियसली एंड इसमें एटीपी प्रोडक्शन होता है सो so, ये एक आपको uh, लास्ट तक पूरे मेटाबॉलिज्म टॉपिक में आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है तो हमारे एटीपी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अगर एक एनआई या सिर्फ मैं एनआईडीएच की बात करूँ तो अगर उसका यूज़ हो रहा है अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा तीन ए क्या होगा प्रोड्यूस होगा उस तरीके से अगर एन की जगह या फिर एन की जगह अगर एक एफ वर्क कर रहा है एक एफ इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह हेल्प कर रहा है तो क्या होगा यहाँ हो पर टू ए प्रोडक्शन होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा गया कि ओके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तीन एन मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो वहाँ पर कितने ए प्रोड्यूस होंगे तो जब एक एन से तीन हो रहे हैं तो तीन से कितने होंगे नाइन ए प्रोडक्शन होगा सो so, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है इंशाल्लाह क्योंकि ये फर्दर हमें एटीपी कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाला है नेक्स्ट थिंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है तो यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं प्रोटॉन कैरियर्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या है साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम सी वन साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए थ्री ओके और यहाँ पर जितने भी साइटोक्रोम्स हैं सबके सब कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं इनर माइटोकॉन्डल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं एक्सेप्ट कौन सा ये जो साइटोक्रोम सी है ओके साइटोक्रोम सी कहाँ पर प्रेजेंट रहता है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रहता है मतलब जो इनर माइटोकोन्टल मेम्ब्रेन होती है उसके जस्ट ऑन एक बहुत ज़्यादा क्या होगा आउटसाइड पोर्शन में प्रेजेंट होगा यानी कि समवेयर इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बाकी सब के सब कहाँ पर प्रेजेंट हो गए इनर माइटोकॉन्टल मेम्ब्रेन में फिर जो प्रोटोन कैरियर्स है वो कौन से एन ए डी एफ एडी एफ एम एन कोजाइम क्यू ये ये कौन सा फॉर्म है ये सब ये सब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ओके okay? तो जब ये एक्सेप्ट करेंगे तो रिड्यूस नो बन जाएंगे एनएडीएच एफ एडीएच टू एफ एम एन एच टू एक्सेट्रा एंड कोएंजाइम क्यू इन सब में से आपको वाइवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओके टेल मी द मोबाइल कैरियर्स तो इसमें मोबाइल कैरियर्स यानी कि जो मूव कर सकते हैं वो कैरियर्स कौन से हैं तो एन ए डी होता है कोएनजाइम क्यू होता है साइटोक्रोम सी होता है ओके फिर देखिए यहाँ पर जितने भी मेम्बर्स हमें दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोटॉन कैरियर्स की अगर हम बात करें जाए सबके सब क्या है प्रोटीन नेचर के होते हैं ओके एक्सेप्ट फॉर कोंजाइम क्यू कोजाइम क्यू क्या होता है लिपिड सॉरी वह सब्सटेंस है ओके सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में क्या पर्पज़ क्या है इसका कि ये क्या करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म करता है ओके okay? so मतलब क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनर डोनेशन होता है एक्सेप्शन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसकी वजह से क्या होता है एक प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ए सिंथेसिस पे बहुत अच्छे से क्या होती हैल्प होती है हम लोग इन शी आगे देखेंगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक अच्छा वन मोर थिंग आप लोगों का यहाँ पर यहाँ ध्यान रखने की जितने भी कंपनिन्स अभी हमने देखे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स साइडोक्रोम बी सी सी वन ए थ्री एंड ऑल एंड हाइड्रोजन कैरियर्स लाइक एन ए डी एफ ए डी एफ एम एन एन क्वेंजा क्यू ए सब तो ये सब बेसिकली किस तरीके से अरेंज होते हैं uh, इन द ऑर्डर ऑफ़ देर इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये अरेंज होते है इन द ऑर्डर ऑफ देर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल रिडॉक्स पोटेंशियल बेसिकली ये क्या होता है रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी आ, हम बोलेंगे सब्सटेंस की या कैरियर की टेंडेंसी कि वो कितने ईजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कितने ईजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है डोनेट कर सकता है या लूज कर सकता है तो इस तरीके से ये कैसे अरेंजड uh, है कि सबसे पहले वो सब्सटेंस है जो सबसे क्या होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एन प्रेजेंट रहता है और फिर क्या होगा uh, सबसे इजीली uh, कौन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन सबसे लास्ट में प्रेजेंट रहता है तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है चेन एक चेन के फॉर्म में क्या होता है अरेंज होता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेज होते हैं बेसिकली पांच होते हैं ओके बेसिकली अगर हम मेन अगर बात करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स uh, होते हैं ये मेनली चार कहा जाता है फिफ्थ तो फॉस्फोरालेशन में जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरालेशन में बट हम लोग इंशाल्लाह फिफ्थ के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे बट मेनली वन टू फोर होते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स वन है उसका नाम क्या 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 कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टू जो होता है डीहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स थ्री जो होता है इट इज कॉल्ड साइटोक्रोम ब सी वन कॉम्प्लेक्स फोर जो होता है साइटोक्रोम ए ए थ्री या फिर इसका एक और नाम क्या है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड कॉम्प्लेक्स फाइव जो है उसका नाम है ए टी पी सिज हम इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्यों बोलते हैं है, हमें अभी आपको इंशाल्लाह आगे बताऊँगी सो so, पहले देखिए कॉम्प्लेक्स वन टू एंड थ्री जो होता है इसके अंदर आयरन सल्फर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है बाकी जो कॉम्प्लेक्स फोर एंड फाइव है उनके अंदर आयरन सल्फर सेंटर्स प्रेजेंट नहीं होते सो so, ये एक बोलते हैं ना कि कॉम्पोनेंट होता है तो एक कॉम्पोनेट है इस कॉम्प्लेक्स वन टू एंड थ्री का अपार्ट फ्रॉम दीज सबस्टेंसेज यहाँ पर क्या होता है आयरन सल्फर सेंटर भी प्रेजेंट है देन कॉम्प्लेक्स फोर जो होता है इसके अंदर होते हैं कॉपर आइटम्स प्रेजेंट होते हैं सी यू ए एंड सी यू बी कॉपर ए एंड कॉपर बी नेम से प्रेजेंट होते हैं और जितने भी कॉम्प्लेक्सेज यहाँ पर प्रेजेंट है सबके सब क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ दैट जितने भी हमने देखे साइटोक्रोम्स देखिए साइटोक्रोम बी सी सी वन ए थ्री ये सारे जो साइटोक्रोम्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं इनके अंदर हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है ओके कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है हीम ग्रुप हीम ग्रुप कैसे बनाता है? ऑब्वियसली एक पोलोफाइरिन रिंग होगा और क्या होगा आयरन होगा ओके okay? जितने भी साइटोक्रोम्स हैं बट जब हम बात करें साइटोक्रोम ए ए थ्री की तो हीम ग्रुप के अंदर एक कोऑर्डिनेशन साइट क्या रहेगी फ्री रहेगी क्या कहा मैंने कि इसके हीम ग्रुप के अंदर एक कोऑर्डिनेशन साइट फ्री रहेगी और इस फ्री साइट पर क्या होगा ये जो फ्री साइट रहेगी वो क्या करेगी डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी रिएक्ट कर सकती है सो so, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आई एम रिपीटिंग इन इट अगेन कि जो साइडोक्रोम ए ए थ्री है इसके अंदर भी हीम कॉन्टेक्ट रहेगा बट इसका जो हीम पार्ट है उसके अंदर क्या होगा एक कोऑर्डिनेशन साइट क्या रहेंगी फ्री रहेगी तो ये जो कोऑर्डिनेशन साइट है बाद में क्या करेगी रिएक्ट करेंगी ऑक्सीजन के साथ एंड फाइनली uh, जो हमारा प्रोडक्ट है मेटाबोलिक वाटर एंड एन एनर्जी का वो हमें मिलेगा सो दैट्स वाई क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएट करेगा इसका एक और नाम क्या है साइटाक्रोम अब मैं आप लोग को एक और बार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से फ़्लो होता है वो मैं बताना चाहूंगी कि जो वो लगाते रहे कॉम्प्लेक्स वन की तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होता है पहले एन प्लस से ऑब्वियसली एन तो एन से जो होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो का में एफ के पास जाएगा और एफ से जाएगा फिर आयरन सल्फर सेंटर के आयरन वाले पार्ट में जाएगा और फिर जाएगा एक कोजाइम क्यू में ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें सक्सीड डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स की तो यहाँ पर क्या होगा पहले तो ऑक्सीडेशन होगा सक्सी का इंटू फ्यूमरेट ओके okay? और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किसके पास जाएगा एफ ए डी एच जाएगा आयरन सल्फर सेंटर में और फिर अगेन जाएगा कोएंजाइम क्यू में ओके लेकिन एक चीज़ आप लोग को यहाँ ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लेक्स वन में क्या होगा एनर्जी लॉस होगा या एनर्जी लॉस यहाँ पर होगा बट देर विल बी नो एनर्जी लॉस इन कॉम्प्लेक्स टू सो दिस कैन बी योर वाइवा क्वेश्चन और एम सी क्यू क्वेश्चन तो कॉम्प्लेक्स uh, वन में प्रोटॉन पंप हो रहे हैं बट कॉम्प्लेक्स टू में प्रोटॉन पंप नहीं होंगे उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स थ्री और फोर में भी एनर्जी लॉस होगा प्रोटॉन पंप भी होगा बट कॉम्प्लेक्स टू में देर विल बी नो एनर्जी लॉस एंड नो प्रोटॉन पंप देन कॉम्प्लेक्स थ्री में एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होगा कहाँ सेक्रोम बी से जाएगा फिर सी में जाएगा देन साइटोक्रोम ए में जाएगा लेकिन ए के पहले क्या करेगा वो कॉपर ए कॉपर ए के पास जाएगा फिर जाएगा uh, क्योंकि हम लो, हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स फोर में कॉपर ए एंड कॉपर बी है तो पहले कॉपर ए सेंटर के पास जाएगा फिर जाएगा साइटोक्रोम ए के पास फिर कॉपर बी देन साइडोक्रोम ए थ्री सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ट्रैवलिंग होगा नाउ मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का तो कन्वर्जन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम इंटू ऑक्सीडाइज फॉर्म तो हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में लास्ट चैप्टर लेक्चर में आप लोग ज़रूर हम लोग का लास्ट लेक्चर देखिएगा प्लस इफ़ यू वांट नोट्स एंड वीडियोस सो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन करें सो so, यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग ने वहाँ पर पढ़ा था कि भाई अगर सब कुछ ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला गया तो ऑक्सीडाइज जो स्टॉक है हमारे पास ख़त्म हो जाएगा तो हमें कुछ जो है क्वेंजाइन इसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी लाना पड़ेगा तो इसके लिए एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और द रेस्पिरेटरी चेन सेकेंड क्या वर्क है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एज अ बाई प्रोडक्ट ये ए टी पी बनाता है बट किस तरीके से एज अ फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट इट्स नॉट कि इसका मेन प्रोडक्ट जो है वो भाई ए टी पी है इसका बाई प्रोडक्ट क्या है ए टी पी है देन सेवेंटी परसेंट ऑफ ए टी पी जो है हमारी बॉडी में वो रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू बनता है सो so, इस लेक्चर के लिए इतना ही होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज यू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन विच वीडियोज यू वॉट नेक्स्ट